ये बात मुझे और आपको मालूम है कि अगर हम लिनक्स चला रहे हैं तो लिनक्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कंट्रोल ऑल्टर F1 करें। अभी हम GUI पर F1 पर टर्मिनल 1 पर हैं। F2 करें तो GUI इसके बजाय हमारे पास CLI आ जाता है। F3 करें उसमें भी CLI। F4, F5, F6, F6, बस F6 तक आता है हमारे पास। हम रूट पे लॉगिन करेंगे और यहाँ पे रेडेट लिखेंगे तो हम लॉगिन हो गए। कौन सा टर्मिनल है? TTY लिखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ जाएगा कौन सा टर्मिनल है भाई, 6। 7 कोई टर्मिनल नहीं होता इसमें, 8 कोई टर्मिनल नहीं होता इसमें, 9 फिलहाल कोई टर्मिनल नहीं है, या और कोई टर्मिनल नहीं है। अगर आप कंट्रोल ऑल्टर F1 पे आएंगे और वहां पे आके आप टर्मिनल खोलेंगे और वहां पे आप लिखेंगे कि भाई मेरे कौन कौन से टर्मिनल हैं जो लॉगिन है, जिनके ऊपर काम हो रहा है, तो वो आपको बता रहा है कि आपका एक जीरो टर्मिनल है, या जिसको आप GUI टर्मिनल 1 कहते हैं, और आपके पास एक रूट लॉगिन है टर्मिनल नंबर 6 पे। ठीक है, अच्छा, टर्मिनल नंबर 6 पे रूट लॉगिन है। एक टर्मिनल होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं सिस्टम CTL इनेबल। ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर करते हैं और वो कहलाता है डीबग डैश शेल डॉट सर्विस। ये आपने इनेबल कर लिया। क्या नाम है भाई इसका? इनेबल कर लिया मतलब बूट टाइम पे ये स्टार्ट हो जाए। और अगर मुझे अभी स्टार्ट करना है तो मैंने अभी स्टार्ट करने की कमांड चलाई, उसने अभी भी स्टार्ट कर दिया। ये डीबग शेल सर्विस जो है ये बेसिकली कंट्रोल ऑल्टर F9, F9 आपको एक शेल खोल देता है F9, और इसमें इस शेल की क्वालिटी है कि इसमें वो आपसे रूट का पासवर्ड नहीं मांगता, ये लॉगिन आपको दे देता है। इसलिए कहते हैं कि ये अगर आपको कोई काम करना हो ऐसा कि जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर आपको अपनी मशीन के अंदर कोई मसला आया हुआ है, डिबगिंग करनी है, तो आप उसको इनेबल कर लें। और आप अब जब इनेबलिंग हो जाए, जब इसका आपका काम हो जाए, तो आप इसको वापस डिसेबल कर दें। कैसे? ऐसे स्टॉप और डिसेबल। मैं अभी दोबारा आपको जो है ना एक बात जो है वो बता रहा हूं, आप जरा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये डीबग शेल है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करके फिक्स करने के लिए एक और शेल दिया गया आपको, कंट्रोल ऑल्टर F9। ये नॉर्मली होता नहीं है, आप किसी भी कंट्रोल ऑल्टर F1, F2, F3, F4, F5, F6 किसी में भी जाएंगे तो वहां पे वो आपसे रूट का यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम में ये इनेबल किया हुआ है कंट्रोल ऑल्टर F9, या आपने पहले से इनेबल करके रखा हुआ है, इसका मतलब है आपको जब भी जाना होगा आप कंट्रोल ऑल्टर F9 करेंगे और आपको ये लॉगिन मिल जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा आप। मैंने क्या उसको इनेबल कर रखा है? मैंने इनेबल कर दिया। इनेबल का मतलब है ये जैसी मशीन बूट होगी उस वक्त भी आपको मिल जाएगा, एक काम। और दूसरा काम क्या किया, VI/ETC में गया, FS टैब में गया, एंट्री कर दी और ये वाली हैश हटा दिया ताकि मेरा दोबारा सिस्टम उस मेंटेनेंस मोड में चला जाए। WQ से सेव कर दिया और मशीन को रिबूट कर दिया। अब देखिएगा मेरी मशीन कहाँ पहुंचेगी, और वहां पे, अरे यार एक और चीज दिखानी है, चले चले कर ही दिखाऊं, इसके साथ ही रिबूट कर देता। अब मेरी मशीन कहाँ जाके रुकेगी भाई? मशीन स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि FS टैब की एंट्री का मसला है, तो मशीन जो है वो कहाँ पहुंचेगी भाई आप देख लीजिएगा।
आ गया जी। जब ये यहाँ पे आ गया तो मैंने क्या किया, मैंने पासवर्ड डालने की कोशिश की इंटर, फिर पासवर्ड डालने की कोशिश की इंटर, फिर उसने कहा कंट्रोल डी करके कंटिन्यू कर दो, कंट्रोल डी करूंगा तो घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाएगा, ठीक है, ये फिर घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको दोबारा कोशिश करने को कहा कि दोबारा कोशिश करो बूट करने की और पासवर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि मैंने डीबग शेल इनेबल कर रखा था उस पर, तो उसकी वजह से मैं कंट्रोल ऑल्टर एफ नाइन करूंगा, पहले उसको आने दो, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा कहां पे, डीबग शेल में, देखते हैं कि आता या नहीं आता। जाओ भाई, आ गया भाई। अब मैंने कंट्रोल ऑल्टर, मुझे पासवर्ड तो मालूम नहीं है, मैंने कंट्रोल ऑल्टर एफ नाइन प्रेस किया है, एफ नाइन, जब मैंने एफ नाइन प्रेस किया तो वहां पे क्या मिला मुझे भाई, लॉगिन मिल गया। मैं वहां से गया, मैंने कहा वी आई स्लैश ई टी सी एफ एस टैब से मैं एंट्री कर सकता हूँ सही, उसने कहा यस कर सकते हो, मैंने कहा कर दो, डब्ल्यू क्यू से सेव किया और बाहर आ गया, और जनाब फिर दोबारा कैट करके वेरीफाई किया एफ एस टैब, हाँ भाई सही है। अब मैंने अपनी मशीन को रीबूट कर दिया, लेकिन इसमें यह बात ध्यान में रहे कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे क्या, इसकी मिसाल देता हूं मैं, मतलब ये आपके सिस्टम में अगर आपने ये ऑन कर रखा है तो ये आपकी मशीन को जो है वो इनसिक्योर कर दिया इसने, ठीक है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, जरा वो मैं नहीं चाहता मिसाल रिकॉर्डिंग में आ जाए, इसलिए आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, ये मशीन स्टार्ट हो गई है मेरी, एक चीज मैं आपको और दिखा रहा हूं, मैंने रूट से लॉगिन किया और मैंने इसको जनाब रेडिट कर दिया, एक चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, ये बात जहन में रहे कि अभी हमारे सिस्टम में डीबग शेल ऑन है, उसका क्या स्टेटस है मैं अभी आपको यहां पे चेक भी करा देता हूं। राइट माउस क्लिक टर्मिनल सिस्टम सीटीएल स्टेटस डीबग डैश शेल डॉट सर्विस, सर्विस नहीं भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर, एक्टिव है, रनिंग है, एक्टिव है, रनिंग है, और मैंने यहां पर एक कमांड चलाई ग्रप टू सेट पासवर्ड, ग्रप टू के बाद पासवर्ड सेट कर दिया 123123 पासवर्ड सेट कर दिया, सेट करने के बाद मैंने मशीन को रिबूट कर दिया, मैंने अपनी मशीन के ऊपर पासवर्ड सेट कर रखा था, इस पासवर्ड के सेट करने का क्या वो होता है भाई, देखें उसका इफेक्ट कहां पे आ रहा होगा, ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है, आप आए यहां पे आया, यहां पे मैंने ई प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया उसने मुझसे यूजर नेम मांगा, मैंने यूजर नेम दे दिया आर डबल ओ टी रूट, उसने मुझसे पासवर्ड मांगा, पासवर्ड तो मुझे पता नहीं है मैं क्या करूं, मुझे तो पासवर्ड मालूम नहीं है, कंट्रोल ऑल्टर एफ नाइन किया, कंट्रोल ऑल्टर एफ नाइन किया, आ जा भाई, नहीं आ रहा, कंट्रोल ऑल्टर एफ नाइन तो नहीं आएगा, कंट्रोल ऑल्टर एफ नाइन तो नहीं आएगा भाई, यहां से पासवर्ड भी कुछ नहीं हो सकता यहाँ तो, मैंने बोला भाई मशीन को जरा रिबूट करो, रिबूट करो मशीन को, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम,
भाई सेटअप सिर्फ मैं पासवर्ड चेंज करने नहीं जाऊंगा ना, मैं स्टार्ट तो कर सकता हूँ सिस्टम, ये नहीं कर सकता। पासवर्ड सिस्टम स्टार्ट कर लिया मैंने, क्या मसला है? जब नहीं सिस्टम स्टार्ट हो गया तो मैंने कंट्रोल ऑल्टर F9 किया, अब तो हो जाएगा F9, आ गया। अभी मशीन बूट नहीं की है लेकिन F9 आ गया, और मैंने यहाँ जाके कहा ग्रब टू सेट पासवर्ड इंटर, उसने बोला इंटर पासवर्ड, मैंने खाली डाल दिया, उसने कहा कंफर्म, मैंने खाली डाल दिया, मेरा पासवर्ड खत्म हो गया। क्या हो गया? पासवर्ड खत्म। परवेश भाई और कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, वरना हाँ पासवर्ड अच्छा ये वाली बात है, रब का पासवर्ड होना है। थोड़ा नहीं है ये हमने, लेकिन आपको सिस्टम सीटीएल स्टेटस डी बग, सॉरी अरे क्या हो गया, डी बग शेल की सर्विस को स्टार्ट नॉर्मली रखते नहीं हैं, ये बताने का मकसद था। ये तो उस समय ये जब ऑन हो स्टेटस में चेक किया और मैंने इसको क्या कर दिया, DISABLE डिसेबल, ताकि दोबारा ऑन ना हो, जब जरूरत पड़ेगी तो ऑन कर लेंगे वरना उसकी जरूरत नहीं है। स्टॉप भी कर दिया, और अब आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, अब ये आएगा नहीं क्योंकि आपने स्टॉप कर दिया, वो खुद ही बंद हो गया। अब कंट्रोल ऑल्टर F9 से कुछ नहीं आएगा, सही है, F1 F7 से तो आ जाएगा, F9 से कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, बस आज इतना ही रख लें, आज के दिन जो है वो लॉक की बात समझ में आई या नहीं आई?